बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के लिए लाया हूँ। एक इंतहाई बेहतरीन खबर आजकल सोशल मीडिया पर चल रही है, एक न्यू ड्रामे के मुतालिक जिसका टाइटल दिले उम्मीद है। चंद दिन पहले एक टीजर रिलीज हुआ था जो बहुत ज्यादा हिट गया था, फिर वो टीजर जो है यूट्यूब पर रिमूव हो गया। तो बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि वो जो टीजर रिमूव हुआ है वो क्यों रिमूव हुआ है, और ये भी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि वो जो टीजर रिलीज हुआ था अब उसका मुकम्मल ड्रामा कब तक हम देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपके तमाम सवाल उनके जवाब दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ एक छोटी सी बात ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि वीडियो जो है और लोगों तक पहुँचे और वो भी इस ड्रामे के मुतालिक सच्चाई जान सके। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। अगर इस ड्रामे की कास्ट की बात की जाए तो कास्ट में शामिल थे सैर खान, उनके साथ मरकजी किरदार अदा करने वाले हैं दानिश तैमूर, और नहायत ही ज़बरदस्त और टैलेंटेड एक्टर सना जावेद। दोस्तों ये तीन एक्टर बता दिए जा रहे थे उस ड्रामे में कि इनका ड्रामा न्यू आ रहा है, और टीज़र यूट्यूब से क्यों रिमूव किया गया तो आपको बता दूं कि वो सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ पर मबनी था और फैन में टीज़र था। हकीकत में इस तरह का कोई ड्रामा नहीं आने वाला, इसी वजह से यूट्यूब ने वो टीज़र रिमूव कर दिया था। और आपको बता दूं कि इस किस्म का कोई भी ड्रामा दानिश तैमूर ने साइन नहीं किया है। उनकी इंस्टाग्राम पर भी मैंने बहुत काफ़ी रिसर्च की तो पता चला ड्रामा नहीं आने वाला। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो इतनी थी, खुदा हाफ।